नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए फिर चलिए ऐसा वशीकरण, ऐसा प्रचंड वशीकरण लेकर कि जिसको आप एक बार कर लेंगे ना, आप जिसके ऊपर भी ये वशीकरण करने जा रहे हैं वह आपके वशीभूत हो जाएगा, आपसे प्रेम करने लगेगा जिसके ऊपर भी आप ये वशीकरण कर रहे हैं। हाँ, वशीकरण विधि बताने से पहले आपसे यही निवेदन करूंगी कि आपकी मनसा बिल्कुल साफ होनी चाहिए, आपकी नीयत बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। तो वशीकरण करने के लिए आपको चाहिए इस तरह का एक पीला नींबू, फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल दाग वाला नहीं, अच्छा सा आप नींबू ले लीजिए। लाल रंग का पेन होना चाहिए, लाल शाही चाहिए हमें इसके लिए। और आपको चाहिए 11 लौंग, लौंग टूटी फूटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, फूल वाली चाहिए आपको। आपको इसमें किसी मंत्र का कोई उच्चारण नहीं करना है, सिर्फ आपको जिस दिन ये क्रिया करनी है वह शनिवार का दिन होगा और वीरवार के दिन। आप दो दिन इस कार्य को कर सकते हैं। आप रात के समय करिए, रात का समय आप खुद निर्धारित कर लीजिए कि आपने किस समय करना है, कि बस आप ये ध्यान रखिएगा कि आप जब भी ये कार्य कर रहे हो, जिस भी कमरे में करें, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करें, शांति से एकांत कमरे में बैठ के आपने इस कार्य को करना है। नहा धो लीजिए, स्वच्छ हो जाइए, अपने इष्ट देव को मना लीजिए, आसन पे लेके बैठ जाइए। आप जिस भी मनसा से ये वशीकरण करने जा रहे हैं, अपने इष्ट देव से प्रार्थना कीजिए कि आपके इस वशीकरण कार्य को वो पूरा करें, सफल करें। आपने नींबू ले लिया, आप इस तरह से 9 लौंग लेंगे, फूल वाली टूटी फूटी मत लीजिएगा। और आपको एक मंत्र दिखा रही हूं, आपने ये मंत्र लाल पेन से इस नींबू पे लिखना है। ध्यान से देख लीजिए, आपने इस नींबू पे इस मंत्र को लिखना है, ठीक है? और बिल्कुल ध्यान से लिखना और उस इंसान का नाम लेते जाना, नाम लेते जाना। अब जिस भी व्यक्ति पे आप ये वशीकरण करने जा रहे हैं, आपने उसका नाम लेते जाना है और इस मंत्र को आपने इस नींबू पे बड़े ही अच्छे तरीके से आपने इस तरह से लिख देना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ओम त्रित्रो त्रि वश त्रि वशे, इस तरह से ये आपने इस पे पूरा लिख दिया। अब ये जो बाकी की जगह है, आपने जिस भी ऊपर ये वशीकरण करने जा रहे हैं ना, आपने उसका नाम इसके ऊपर लिखना है 3 बार। जो भी नाम है आप वो नाम लिख दीजिए, कि अगर रिया नाम है तो आपने इस तरह से इस पे रिया लिख देना है, इस तरह से आपने 3 बार लिखना है। मंत्र बीच में लिखना है, मंत्र का कोई उच्चारण नहीं करना है, सिर्फ आप मंत्र ध्यान से लिख लीजिए, मंत्र लिखने में गलती मत करना। आपने ये नाम लिख दिया इस तरह से बस। अब आपने करना क्या है कि ये जो 9 लौंग दी हुई है आपको, अरे 11 सॉरी, अब ये जो 11 लौंग आपने ली है ना, अब आपने इसके ऊपर इन लौंगों को, मतलब उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिसके ऊपर ये वशीकरण करने जा रहे हैं, आपने उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे लेना है और इस पे आपने इसको गाड़ते जाना है। नाम आप इस तरह से इसके अंदर नींबू में आपने लौंग दबाते जाना है और उस व्यक्ति का नाम आपने लेते जाना है जिसके ऊपर भी आप ये वशीकरण करने जा रहे हैं। आपने पूरा अच्छे से इसके ऊपर लगा देना है। अब आप क्या करेंगे कि आपका ये जो नींबू है ना, बिल्कुल तैयार हो गया। अब आपने इसके ऊपर 11 बार नींबू पे नाम लिया उस व्यक्ति का। अब आप इसको ले जाके शमशान में, हो सकता है तो आप शमशान में ले जाइए, मिट्टी खोद के आप वहां पे गाड़ के आइए और 11 बार उस व्यक्ति का नाम जरूर लेना। आप देखेंगे कितना शक्तिशाली प्रचंड वशीकरण है कि ऐसा काम करता है। अगर नहीं पॉसिबल है तो आप अब इसे आप किसी चौराहे पे फेंक दीजिए या पीपल के वृक्ष के पास मिट्टी खोद के आप वहां पे गाड़ दीजिए। मगर आप जब भी ये करेंगे, आपने 11 बार उस व्यक्ति का नाम लेना ही लेना है जिसके ऊपर भी आप ये वशीकरण कर रहे हैं, और पीछे मुड़ के आपने नहीं देखना। आप ध्यान रखिएगा, पीछे मुड़ के आपने बिल्कुल नहीं देखना है, आपने ये कार्य चुपचाप करना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना। इसलिए कि जो वशीकरण या टोटके होते हैं ना, उनके कुछ नियम होते हैं, तो आपने पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देना। अगर आपको कोई टोक भी दे तो आपने बोलना नहीं है, आप चुपचाप अपने घर चले आइए और सो जाइए। आप ये देखेंगे जब आपने वशीकरण, जैसे आपकी विधि पूरी होगी ना, वह व्यक्ति आपके वशीभूत हो जाएगा, आपसे प्रेम करने लगेगा। अगर प्रेम नहीं करता है तो आप ये करके देखिए, बहुत ही शक्तिशाली है। मुझे आगे दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही प्रचंड शक्तिशाली अनोखे वशीकरण उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा दोस्तों।